हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं Q20 प्राइम वे के बारे में। आज इस प्रोटीन के बारे में सब कुछ बताएंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका टेस्ट कैसा है, मिक्सिबिलिटी कैसी है, इसका प्राइस क्या है और कितने रुपए में आपको ये प्रोटीन मिल जाता है और आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। थोड़ा सा बाहर की नॉइज आ रही होगी क्योंकि मैं अपनी शॉप में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ और सॉफ्ट रोड के किनारे तो थोड़ी बहुत बाहर की आवाज आ रही है, सो मैनेज कर लेना, बट बहुत ही जल्दी इसका भी हम कुछ इंतजाम करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, मेरे पास है Q20 का प्राइम का 1 kg का बॉक्स जिसकी MRP आपको मिल जाती है 3,799 रुपए, मतलब 3800 रुपए इसकी MRP मिल जाती है। और इसके अंदर टोटल 27 सर्विंग आती है और एक सर्विंग मतलब एक स्कूप का जो साइज है वो आपको मिल जाता है 36.3 ग्राम। तो नॉर्मल वे प्रोटीन के अंदर 33 से 35 ग्राम का स्कूप आता है, बट इसमें थोड़ा सा 2.5 ग्राम बड़ा स्कूप है, बट ठीक है। अब मैं आपको इसकी प्रोफाइल बता देता हूं, सबसे पहले जो कंपनी ने मेंशन की हुई है। वैसे इसके एक स्कूप के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, बट कंपनी वालों ने थोड़ा सा स्मार्टली काम किया है, बॉक्स के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है 50 ग्राम प्रोटीन और साइड में लिख दिया है पर 2 सर्विंग। तो कुछ लोग बहम खा जाते हैं भाई 50 ग्राम प्रोटीन है, बट ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपको 25 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप के अंदर मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा 11.9 ग्राम इसमें BCAA मिल जाता है, 0 sugar added लिखा हुआ है। मेरे पास जो फ्लेवर है ये है केसर काजू पिस्ता, ठीक है। तो अभी फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको इसकी मिक्सिबिलिटी, टेस्ट और लास्ट में इसके प्राइस भी बताएंगे जो सेल करने वाला प्राइस है। MRP तो बहुत ज्यादा होती है इन सप्लीमेंट्स के ऊपर, तो सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अनबॉक्स की वीडियो पहले बना ली थी जब मैंने इसे खोला था। किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करने से पहले उसे थोड़े दिन मैं चेक करता हूँ, यूज करता हूँ, उसके बाद ही बताता हूँ। तो पहले आप अनबॉक्सिंग की वीडियो देखिए किस तरह की पैकिंग के अंदर ये प्रोटीन आता है। सो गाइस, यह है Q20 का प्राइम वे। आप वेरिफिकेशन कोड देख सकते हैं, इसे स्केच करेंगे कोड निकलेगा, उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। और कुछ इस तरह की प्लास्टिक की पैकिंग इसके ऊपर आती है, तो उसे भी हम फटाफट से फाड़ लेते हैं और अंदर दिखाते हैं कैसी पैकिंग है। ऐसे पैकिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त करके दी है, मज़बूत है, तोड़ने में थोड़ी सी मेहनत लगी मेरे को, बट अभी इसे खोल लेते हैं। अंदर भी एक पैकिंग होगी 100%, क्योंकि ऑन पहले जो आता था उसमें अंदर पैकिंग नहीं आती थी, बट आजकल तो शायद आ रही है। तो इसके अंदर देखो एक और पैकिंग है। और एक चीज़ और बता दूँ, इसके अंदर आजकल ऑफर चल रहा है फ्री डेली विटामिन का, तो मल्टी विटामिन आपको इसके साथ फ्री मिल जाएगी। तो इसको रैपर को निकालते हैं और अपना प्रोटीन अनबॉक्स हो गया है। तो आप लोगों ने अनबॉक्सिंग की वीडियो देख ली है, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने देखो आधा बॉक्स तो ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया, ठीक है, आधा ही बचा हुआ है। तो मैं काफ़ी दिन से इस प्रोटीन को यूज कर रहा हूँ, अब मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा ये प्रोटीन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे मिक्स करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मिक्स करने से पहले मैंने इसके अंदर 200 ml पानी ले लिया है और इसको मैं जाली को जो शेकर के अंदर होती है नहीं लगाऊंगा। इसका एक कारण है जो कि मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्कूप प्रोटीन इसके अंदर हम डाल लेते हैं। तो ये इसका स्कूप है जो कि 36.6 ग्राम का है, सॉरी 3 ग्राम का है। एक स्कूप प्रोटीन मैंने डाल लिया है। अब हम बिना जाली लगाए इसे मिक्स करते हैं। तो मिक्सिबिलिटी वैसे बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मैं इसे एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ, आधा दफा खाली कर दिया, तो मुझे पता है मिक्सिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। तो अभी इतने में ही अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है। तो टेस्ट अब मैं आपको पी के दिखा देता हूँ, वैसे मैं तो रोज ही पी रहा हूँ, टेस्ट भी काफी बढ़िया है, स्वीटनेस बहुत ज्यादा कम है। अगर आप किसी और कंपनी का सेम फ्लेवर केसर काजू पिस्ता पिएंगे तो आपको बहुत मीठा लगेगा, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ जाली मैंने क्यों हटा दी थी। इसके अंदर बादाम के और पता नहीं कुछ ड्राई फ्रूट्स के थोड़े थोड़े से पीसेस पड़े हुए जो कि जाली के अंदर अटक जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, इसलिए मुझे जाली निकालनी पड़ी। बट बिना जाली के भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्रोटीन मिक्स हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं ये कितने रुपए का आता है और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वैसे मसल रिकवरी की बात करूं तो रिकवरी में ये काफी हेल्प करता है, काफी आपको पीने के बाद लगेगा कि हाँ आपने कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पिया है। एक चीज पहले बता देता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपनी मर्जी से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए टी शर्ट देख लो दूसरी कंपनी की पहन रहा हूँ और प्रोटीन दूसरी कंपनी का रिव्यू कर रहा हूँ और शेकर दूसरी कंपनी का है, तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वरना ये सब नहीं होता, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ,
इसके जो प्राइस है एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है वो अराउंड 2000 रुपए की है। हो सकता है ऑनलाइन थोड़ा बहुत महंगा मिल रहा हो, बट अपने सप्लीमेंट स्टोर पे ये 2000 रुपए का मिलेगा। वैसे नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, तो अगर आप में से किसी को परचेस करना है ना तो आप मेरे से परचेस कर सकते हो। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है 2000 रुपए में, ठीक है। और अगर आप लोग अमेजोन से परचेस करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इस प्रोटीन को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ अच्छी बात थी। बाकी प्रोटीन की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, मिक्सबिलिटी बहुत ही अच्छी है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और पैकिंग तो मैंने आपको दिखा दी है, वो भी बेस्ट क्वालिटी की है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत आपको कोई जानकारी अच्छी मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो भी कर लो, उससे भी हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नए प्रोटीन रिव्यू के साथ।